نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اقده من لساني يفقه قولي رب زدني علما

इसकी मुद्दत रमजान का तीसरा अशरा यानी आखिरी दस दिन है इस मुद्दत में दुनियावी कामों नफसानी ख्वाहिशात, दिल पसंद मशागिल और अहलोल से अलग होकर खुद को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दिया जाता है एहतिकाफ के लिए शराइत क्या है यानी कौन एहतिकाफ कर सकता है जो मुसलमान हो हैज़ निफ़ास और जनाबत से पाक होना और मस्जिद का होना भी ज़रूरी है क्योंकि मसनून एहतिकाफ़ मस्जिद में होता है एहतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है और इसकी मुद्दत दस योम है मुअक्कदा किफ़ाया है यानी ये वो सुन्नत है जिसकी ताक़ीद है और ये किफ़ाया है यानि अगर किसी इलाके से किसी घर से एक ही अगर कोई एहतिकाफ करता है तो वह सबके लिए काफ़ी हो जाती है सब पर फर्ज नहीं है कि हर हर फर्द एहतिकाफ में बैठे किसी एक का बैठना भी काफी हो जाता है मगर इसका अजर सबको मिलता है हर मुसलमान को रमजानुल मुबारक में कम से कम एक कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए हजरत अबू हुरैरा हुरैर रन फरमाते हैं नबी अक्रम सल्ला के सामने हर साल रमजान में एक बार कुरान पढ़ा जाता जिस साल आप सल्लाम ने वफा पाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो बार कुरान मजीद खत्म किया गया इसी तरह हर साल आप दस दिन का एहतिकाफ फरमाते, लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई उस साल बीस योम का एहतिकाफ़ फरमाया इसे बुखारी ने रिवायत किया है अब आप देखें कि हर मुसलमान को रमजान मुबारक में कम से कम एक मरतबा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए ये कम से कम बताया गया है एक बार पढ़ें मगर उसको समझ कर पढ़ें ये ज़्यादा बेहतर है बन इसके कि हम दौड़ लगाएं दो कुरान तीन कुरान पढ़ें और कुछ भी समझ ना आए तो अगर समझ कर आप एक कुरान भी पढ़ेंगे तो इसका अजर ज़्यादा है ठीक है और एक और बात के रमज़ान और क़ुरान इन दोनों का आपस में एक बहुत मज़बूत रिश्ता है उसकी वजह क्या है कि क़ुरान रमज़ान में ही नाजिल किया कुरान का नजूल रमज़ान में ही हुआ इसकी वजह से रमज़ान और कुरान का तो बहुत गहरा ताल्लुक है कोई सच्चे दिल के साथ और अच्छी नीयत के साथ पूरे एहतमाम के साथ रोज़े का एहतमाम करता है और फिर उसमें इबादत की गर्ज से अल्लाह की रजा के लिए कुरान पाक भी समझ कर पढ़ता है तो ये दोनों कयामत के दिन हमारी सिफारिश भी करेंगे एहतिकाफ के लिए फजर की नमाज के बाद एहतका की जगह बैठना मसनून है हज़रत आयशा रदील्ला तरमाती हैं कि रसोल्ला वसम जब एतिकाफ़ बैठने का इरादा फरमाते तो फजर की नमाज़ पढ़कर मोतकफ़ में दाखिल होते इसे अबू दाऊद और इब्न माजा ने रिवायत किया है फजर की नमाज के बाद जो खेमा होता है उसमें दाखिल होना चाहिए लेकिन आप मस्जिद में किस वक्त दाखिल हो सकते हैं बीसवें रोज़े पर मग़रब से पहले या मगरब के बाद आप मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं अगर एहतिकाफ का कभी मौका मिले तो हमें बीसवें रोजे की रात को रोजा खोल कर या रोजे से पहले मस्जिद में दाखिल होना चाहिए अपना सामान वहीं रखना चाहिए और उसके बाद वो कौन सी रात होगी 21वीं शब होगी यानी ताक रात होगी तो पूरी रात कयाम करना चाहिए और बाजमात नमाज तरावी और क्याम करते हुए वही रात गुजारनी चाहिए मस्जिद में और फिर उसके बाद सुबह फजर पढ़कर जमात के साथ फजर अदा करके फिर अपने खेमे में दाखिल होना चाहिए ये मसनून तरीका एहतकाफ का है एहतिकाफ करने वाले की बीवी मुलाकात के लिए आ सकती है और एहतकाफ करने वाला बीवी को घर तक छोड़ने के लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है हजरत सफिया रद्ह तन फरमाती है ल्लाहु ल्लाहु में थे। मैं रात को नबी अक्रम रही वापस जाने के लिए, उठी, तो मुझे छोड़ने के लिए उठ कर खड़े हो गए इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है अब ये उस दौर की बात है जब वहा पर सहरा था बयाबान था और खतरा था लोगों से भी और जानवरों से भी दरिंदों से भी इस सिचुएशन के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफिया को घर तक छोड़ने के लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है अगर मुलाकात भी करनी है तो जरूरत के तहत ही होनी चाहिए औरत अपनी शोहर से मुलाकात करना चाहे तो बहुत ज्यादा अगर कोई जरूरत हो या अर्जेंट कोई काम हो जिसके बगैर गुजारा नहीं मशवरा किए बगैर गुजारा नहीं उस सूरत में वो चाहे तो मिल सकती है ठीक है वरना नहीं दुनियावी एतबार से दुनियावी मसले मसाइल लेकर या शिकायत लेकर बीवी को भी मिलने की इजाज़त नहीं है फिर वापसी में अगर कोई इंतजाम ना हो तो ज़रूरत के तहत शौहर उसको घर तक छोड़ने के लिए जा सकता है वरना अगर इंतज़ाम हो तो फिर इसकी भी मर्द को भी इजाजत नहीं मर्दों को एतकाफ मस्जिद में ही करना चाहिए रमज़ान में एहतिकाफ के लिए रोज़ा रखना जरूरी है यानी मसनून एहतक रोजे के साथ ही है हालत एहतक में बीमार पुरसी के लिए जाना जनाजे में शरीक होना बीवी से मुजामत करना बशरी तकाजों के बग़ैर एहतिकाफ की जगह से बाहर जाना मना है हज़रत आयशा फरमाती हैं एहतक करने वाले के लिए सुन्नत ये है कि वो बीमार पुरसी को ना जाए जनाजे में शरीक ना हो बीवी को ना छुए और ना उससे मुजामत करे और एहतकाफ़ की जगह से ऐसे जरूरी काम यानी कज़ाए हाजत फर्ज गुसल वगैरह के बगैर ना निकले जिसके बगैर चारा ही ना हो एतकाफ़ रोजे के साथ ही होता है और जामा मस्जिद में होता है इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है अब कुछ चीजों के रिस्ट्रिक्शंस हैं जो एतकाफ में बैठते हैं या मोतकफ के लिए कुछ चीजों की इजाजत नहीं है जिसमें कौन कौन सी चीजें हैं कि बीमार पुर्सी के लिए यानी किसी की अयादत के लिए नहीं जा सकता इसी तरह से जनाजे की पैरवी भी उसको मना है बीवी के साथ जिमा करना वैसे भी रोजे की हालत में भी मना है और एहतकाफ़ में बिल्कुल इजाजत नहीं फिर उसके बाद बशरी तकाजों के बगैर एहतिकाफ की जगह से उठना बाहर जाना मना है अब बशरी तकाजों में गुसल है और कजाए हाजत है अगर ये नीड है तो इसके लिए वो अपने खेमे से बाहर निकले वरना ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में मसरूफ रहे औरतों को भी एतकाफ करना चाहिए हजरत आयशा से रिवायत है कि नबीम सल मुबारक का आखिरी अशरा 21 से तीस मुबारक तक फरमाया करते थे यहाँ तक के आप वसल्लम ने वफात पाई आप सल्लाम के बाद आपकी अजवाज मतहरात ने भी एहतिकाफ किया इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है औरतों को भी एहतकाफ करना चाहिए मगर किस जगह मस्जिद में ही औरतों को भी एहतिकाफ करना चाहिए इसकी दलील है की आयत फिल जब तुम एतकाफ करो तो मस्जिद में रहो इस आयत को दलील रखते हुए मसनून एहतिकाफ मस्जिद में ही होता है चाहे वो मर्द करें और चाहे वो औरतें हों अगर किसी को एहतिकाफ के लिए दस दिन मयस्सर ना आ सके तो जितने दिन मयस्सर हो इतने दिनों का ही एहतिकाफ कर लेना चाहिए हती के एक रात का एहतिकाफ भी दुरुस्त हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदीअल्लामा से रिवायत है कि हजरत उमर रदीला ने नबी अक्रम सलाम से पूछा मैंने जमान जाहली में मस्जिद हराम में एक रात का एहतिक करने की नज़र मानी थी पूरी करूँ या ना करूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी नज़र पूरी कर इसे बुखारी ने रिवायत किया है अब अगर किसी ने नीयत की है कि मैं एक ही दिन का एहतकाफ करूंगी तो कर सकता है ऐसा वो इसके अलावा अगर किसी की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं इस साल एहतकाफ में बैठूंगी लेकिन हो सकता है कोई बीमारी ने उसको ये मौका ना दिया हो या फिर हैज की वजह से भी औरतें मजबूर हो जाती हैं उस सूरत में अगर आपके हैज के दिन मुकम्मल हो जाते हैं और आखिर में एक दिन या दो दिन भी रह जाते हैं अशरे के तो उस सूरत में भी आप बैठ सकते हैं यानी एक दिन या दो दिन का भी एहतिकाफ करने की इजाजत है अब करने के काम क्या है जिंदगी की जो हमारी अहम मसरूफियात है अगर इनको पूरा करने का बंदोबस्त हो यानी कोई हमारी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए हाजिर हो तो हमें ज़रूर करना चाहिए और दूसरी बात खुद एहतकाफ अगर नहीं कर सकते तो चूंकि कोई एक भी करता है जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा कि ये सुन्नत मौकदा किफाया है कोई एक भी करता है तो इसका अजर सबको मिलता है तो अगर हम खुद नहीं कर सकते तो हमें किसी और को अपने घर से ही सपोर्ट करना चाहिए कि कोई और एतकाफ में शामिल हो जाए तो किसी और का मददगार भी बन सकते हैं और अगर हमें ख़ुद को अल्लाह ताला ये मौका नसीब करें एतकाफ का आप देखें कि आपका ये जो दस दिन का जो टाइम होता है इसको एक एक लम्हा इसको कीमती समझ कर हासिल करें इस वक्त को तकसीम करें कि मैं इस वक्त से इस वक्त तक असकार करूंगी ये वक्त मेरा सिर्फ़ और सिर्फ तिलावत क़ुरान का है पूरी रात मेरी क़्याम की है फिर कसरत से दुआएं मांगे मगफरत की दुआएं आखिरी अशर में आपको पता है ताक रातें होती हैं तो मगफ़िरत की दुआएं भी कसरत से मांगे और एक वक्त का तयन कर लें कि बस इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से अपनी मगफरत की दुआएं और जो भी आजाद है मैं उनके सिलसिले में दुआएं मांगूंगी तो अपने वक्त को तकसीम करें अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन एहतकाफ आपका रहे इसी तरह से हर किस्म की जो मैंने पहले भी कहा कि गैर मुफीद बातों या गपशप से परहेज करें जहा कहीं भी एहतिकाब होता है औरतों का वहां मसायल बहुत होते हैं लेकिन क्यों होते हैं क्या हम थोड़े से दिन भी एक दूसरे के साथ सब्र सब्रहल का मुजाहरा नहीं कर सकते क्या हो जाता है अगर किसी की बात बुरी लग भी गई या किसी चीज में कमी हो भी गई आपको पंखा नहीं मिला या आपको खाना कम मिला तो कोई बात नहीं सिर्फ और सिर्फ एक अशरे की बात है मगर उस पर इतने झगड़े खड़े होते हैं कि फिर इंतजामिया तक ये बातें पहुंचती है इन बातों के लिए वक्त नहीं होता कि अब मसले लेकर हेड के पास गए या इंचार्ज के पास गए और इन मसले मसाइल को डिस्कस करने लगे ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि सब्र और तहमल्ल के साथ अपना एहतिक पूरा करें और लोगों की बातों को इग्नोर करें वहां पर पहुँचने वाले हो सकता है थोड़े बहुत इशूज़ आते भी हैं तो कोई बात नहीं अल्लाह की राह में उसको भी बर्दाश्त करें अल्लाह से उस पर भी अजर मांगे दुआ करें कि हमें जब अल्लाह ताला ये मौका दे तो हम इन लोगों में शामिल ना हों ہم اپنے عمل سے دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں خود بھی کسی کے لیے مسئلہ نہ ٹھیک ہے جزاكم الله خيرا كثيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ